दोस्तों आज आ गया हूँ चीनी के रोज़े पर। दूंगा इस वीडियो में इस मकबरे की पूरी जानकारी, तो एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। ये मकबरा अफजाल खां शिराजी ने 1628 में बनवाना शुरू किया था। अफजाल खां ईरान के शिराजा के रहने वाले थे, इसलिए उनका नाम शिराजी पड़ा। वह शाहजहां बादशाह के वजीर थे और प्रसिद्ध कवि भी थे। 1635 में ये मकबरा बनकर तैयार हुआ। 1639 में अफजाल खां की लाहौर में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनको यहाँ लाकर दफनाया गया। दोस्तों चीनी का रोज़ा आगरा शहर के एतमादपुर में स्थित है। ये आगरा की मशहूर इमारत एतमादुद्दौला से थोड़ी ही दूर है। चीनी का रोज़ा अथवा मकबरा मात्र एक ही ऐसी इमारत है जिसमें अफगान एवं पर्शियन वास्तुकला झलकती है। इसे चमकदार टाइलों से सजाया गया था, परंतु देखरेख के अभाव में ये मकबरा अपने बुरे दौर से गुजर रहा है। इस मकबरे को चीनी का रोज़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी चमकदार टाइल्स को चीनी मिट्टी से बनाया गया था। दोस्तों यह चीनी का रोज़ा जो शाहजहां के वजीर थे शुक्रुल्लाह शीरी, उनका ये रोज़ा है जो 1628 के अंदर बना था। तो ये भी बहुत ज़्यादा अद्भुत जगह है, अपने आप में ज़बरदस्त जगह है आगरा के अंदर। अगर आप आगरा आ रहे हो तो चीनी का रोज़ा विज़िट करना मत भूलो, बहुत ही ज़बरदस्त जगह मुझे ये आगरा के अंदर लगी। ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये डायरेक्ट चीनी का रोज़ा आगरा के अंदर। इस मकबरे को देखने का कोई शुल्क नहीं लगता है और यही वजह है कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है क्योंकि सरकार इसकी बिल्कुल भी देखरेख नहीं कर रही है। भारतीय पुरातत्व विभाग के अनुसार ये स्मारक संरक्षित है, लेकिन इसकी बदहाली देखकर सिर्फ रोना आता है। मकबरे की हालत भले ही खस्ता हो चुकी है, लेकिन इसका इतिहास आज भी इसकी भव्यता को दर्शाता है। तो दोस्तों यह है चीनी के रोज़े का आसपास का माहौल, बहुत प्यारा गार्डन बना हुआ है इसके बराबर में और रौनक बहुत ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए, तो फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है लोगों का। तो आगरा के अंदर अच्छी जगह है घूमने के लिए ये चीनी का रोज़ा। अगर आप आगरा आते हो तो भाई चीनी का रोज़ा ज़रूर विज़िट करो और आप बिल्कुल भी मायूस नहीं हो गए। तो जो शाहजहाँ के वज़ीर थे उनका ये रोज़ा है, ये चीनी का रोज़ा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर।